Hello and welcome to the first episode of Raw and Uncensored with Ali Raza. Today our guest is Mr. Young Reg. He has joined us right now and we'll be continuing this whole podcast in Urdu and Hindi. क्योंकि आप सबको मालूम है मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ तो विदाउट वेटिंग मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने गेस्ट मिस्टर शेरू शेरू सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया तो शेरू सर पहले तो आपको वेलकम है हमारी पॉडकास्ट पे मेरी पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और मैंने सोचा कि एक आप हमारे और हम सबके आइडल हो you might not know कि आपके पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फैन है तो जैसे कि आपने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई है आईएफबीबी और ये जो पूरी जर्नी है शेरू भाई मुझे आप स्टार्टिंग से बताएं आज की आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई ये पैशन कैसे आपको आया और इंडिया में आपने आईएफबीबी कैसे इंट्रोड्यूस करवाई सबसे पहले ब्रदर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर फर्स्ट एपिसोड एंड मैं भगवान से खुदा से दुआ करता हूँ कि आपको बहुत तरक्की बख्शे और आपकी पॉडकास्ट बहुत बहुत ऊंचाइयों छुए जस्ट लाइक जो रोगन जिसने 100 मिलियन डॉलर की डील साइन की है इनफैक्ट यू नो इट हैज ओपन न्यू डोर्स फॉर सो मेनी पीपल एंड बट कमिंग बैक टू योरसेल्फ आप मेरे को यू नो इतना सम्मान दे रहे हैं और मेरे को बहुत खुशी हुई ये जान के कि पाकिस्तान में भी हमारे सपोर्टर्स हैं मेरे एंसेस्टर्स पाकिस्तान से ही हैं फ्रॉम लाहौर चकवाल पिंड आई मीन 1947 पार्टीशन से पहले का तो एक दिली ख्वाहिश जरूर है कि जिंदगी में एक टाइम यू नो मेरे को पाकिस्तान जरूर जाना है एंड मैं दुआ करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक हों ताकि आने वाले टाइम में दोनों मुल्क आपस में यू नो एक पीस यू नो प्लान को लेके आगे बढ़े और स्पोर्ट्स के माध्यम से मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो जो पीस प्रोस्पेरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड ला सकती है सो यू नो कंसिडरिंग दैट यू नो आई वॉन्ट टू थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यू नो पॉडकास्ट कमिंग बैक टू माई सेल्फ मेरा फुल नेम शेरू हरमीत अंग्रेज मैं वैसे तो पंजाब लुधियाना में बॉर्न हूँ बट 1998 से मैंने इंडिया छोड़ दिया था और मैं यू नो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड मूव हो गया था इन लंदन बेथनल ग्रीन एरिया में यू नो और उसके बाद इन 2008 onwards, I start you know living in US in New York, New Jersey state. तो जर्नी मेरी पंजाब से ही शुरू है लुधियाना you know यहाँ पे एक छोटा सा एरिया था सुबानी बिल्डिंग अब तो वो चेंज हो गया काफी तो मेरा बचपन वहां बीता मेरा स्कूलिंग यहाँ पे एक सिक्स स्कूल से थी गुरु नानक पब्लिक स्कूल उसके बाद हायर स्टडीज के लिए मैंने यू नो ग्रेजुएशन के लिए यू कैन से गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में मैं पढ़ा हूँ बीकॉम ऑनर्स किया मैंने उसके बाद मैंने एमबीए के लिए स्कॉलरशिप के बेसिस पे इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वहां पे एडमिशन लेके वहां से अपना एमबीए कंप्लीट किया नियर 2002 मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शुरू हो गई थी 1994 तकरीबन मैं 11th ग्रेड में था और मेरे को यू नो अपने भाई हेमंत भाई को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली यू नो उन्होंने जिम जाना शुरू किया था उसके 3-4 महीने बाद ही उनकी इतनी चेंज देख के यू नो मेरे को हुआ भाई मैंने भी करना तो ऑब्वियसली भाई को देख के शौक आया फिर यू नो मैं आई स्टार्टेड वर्किंग आउट 2-3 महीने के बाद यू नो वो चस्का ऐसा लगा कि आज तक गया नहीं उस टाइम मैं क्रिकेट भी खेलता था अच्छा। और मेरे को ये था कि यू नो थोड़ी वो स्ट्रेंथ भी आएगी बट जो एक यू नो मसल पंप की फीलिंग आनी शुरू होगी एंड यू नो हाउ इट इज तो मेरे को पता चल गया दिस इज अ स्पोर्ट फॉर मी उसके तकरीबन छह महीने के बाद एक कंपटीशन था मिस्टर लुधियाना
मैंने वो कम्पीट किया और मैं वो जीत गया था अपने वेट में, तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। और मेरे कोच जिनके जिम ज्वाइन किया था, जिनका लिब्रा हेल्थ क्लब, डॉक्टर दीपक प्रेशर एंड डॉक्टर रवि प्रेशर, दीपक भाई, रवि पाजी आईएफबीवी प्रो लीग जज भी हैं और आज भी मेरे गुरु हैं, आज भी मेरे कोच हैं। अभी भी उसी जिम में जाता हूँ जब भी लुधियाना होता हूँ और यू नो उनके एडवाइस लेता रहता हूँ। एंड उनसे बहुत ही एक मेरा खास रिश्ता है। यू नो आफ्टर माय पेरेंट्स इज वन पर्सन हु इज सो क्लोज टू मी, यू नो अलोंग विद माय इमीडिएट फैमिली। तो यू नो वो उन दिनों में इंडिया में कोई सप्लीमेंटेशन नहीं था, कोई यू नो फूड सप्लीमेंट नहीं था, तो और प्लस मेरे को स्कूल जाना था, स्कूल के बाद मेरे को यू नो स्कूल 12th के बाद मेरे को कॉलेज जाना था 3 साल, उसके बाद मैं इंडिया से बाहर गया। सो द होल आइडिया वाज, अगर मैं अपनी जर्नी की बात शुरू करूं, मिस्टर लुधियाना ठीक है मैंने जीत लिया, बट उसके बाद 12वीं क्लास में चला गया। 12th के तो एग्जाम होते हैं बोर्ड के, और यू नो हाउ टफ इट इज इफ यू वेंट टू यू नो कॉमर्स, तो प्लस टू कॉमर्स मैंने की। एंड बट मेरी डेडिकेशन जो थी एक यू नो टुवर्ड्स कंपीटिंग, इट वाज गिविंग मी हाई ऑल द टाइम। तो मेरे फादर ने मेरे को एक बात बोली कि बेटा तुम पढ़ाई में नंबर कम मत लाना, बाकी मेरी पूरी सपोर्ट है। सो यू नो वट एवर मनी वॉज रिक्वायर्ड, वट एवर सपोर्ट वॉज रिक्वायर्ड, माई डैड फुली सपोर्टेड मी। तो कुछ हमारे को दिक्कत जरूर होती थी कि कैसे मैंने प्रोटीन इनटेक अपना पूरा करना, एंड सप्लीमेंट्स तो होते नहीं थे, तो मेरे को दूध का बहुत शौक था। मैं 4 किलोमीटर चार बजे सुबह 4 AM आई यूज टू वेक अप, आई यूज टू गो बाय साइकिल तकरीबन 11 किलोमीटर्स। यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेरका का बूथ होता था, वहां पे सुबह सुबह 4:30 बजे स्किम्ड मिल्क मिलता था लो फैट, और वो पैकेट बहुत लिमिटेड होते थे, मेरे का 50-100 पैकेट भेजते थे वो उन दिनों में, येलो पैकेट कहते थे। तो मेरे को हर मॉर्निंग वहां पे 4:30 बजे पहुंचना पड़ता था, क्योंकि 4:35-4:40 तक वो पैकेट खत्म हो जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुबह सुबह। तो वहां मेरे को पहुंच के फटाफट, और यू नो उसके बाद वहीं से दूध पी के जिम जाना होता था, जिम वर्कआउट लगा के मेरे को घर वापस आना होता था तकरीबन 6 बजे तक, क्योंकि गर्मियों में हमारा स्कूल शुरू हो जाता था 7 AM इन द मॉर्निंग अराउंड 7:15। तो यू नो वो एक ऐसी जर्नी है मेरी लाइफ की विच इज वेरी यू नो क्लोज टू मी, एंड इट यू नो इट ट्रेन्ड मी टू एक्सटेंट कि आज की डेट में मतलब अगर मैं 2-3 दिन काम भी कर लूं पूरी तरह, तो आई कैन स्टिल बी अवेक एंड आई कैन स्टिल वर्क लाइक अ मशीन। यानी एंड योर ग्रासरूट वाज दैट स्ट्रांग कि आपने शुरू में इतनी स्ट्रगल, यानी आप ये इसी से आइडिया लगा लो कि हम लोग उठ के चल के फ्रिज से दूध निकाला नहीं जाते, एंड यू आर गोइंग ऑल द वे 4 AM। तो जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, और द स्ट्रगल मेड देम लव बॉडी बिल्डिंग, लाइक योर जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। अब शेरू सर को जो भी देखता है वो ये लगता है कि भाई यू नो ही गॉट लकी, और ये सारी इतनी बड़ी एम्पायर जो आपने खड़ी की है उसके पीछे, हर एम्पायर के पीछे एक स्टोरी होती है। जैसे कि आपने अपना बॉडी बिल्डिंग कैरियर शुरू किया, तो व्हाट एक्चुअली स्पार्क्ड दैट आइडिया कि मुझे आईएफबीवी लानी है और इंडिया में, वो आपकी जर्नी बॉडी बिल्डिंग से ट्रांजिशन किस मोड़ पे की लाइफ में, बॉडी बिल्डिंग शोज होस्ट करने की और बॉडी बिल्डिंग शोज रन करने की, वो ट्रांजिशन मुझे बताएं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। सो यू नो जब 12th क्लास मैंने फिनिश की, मैंने इंडिया में कम्पीट किया, मिस्टर लुधियाना के बाद मैं मिस्टर नॉर्थ इंडिया बना, मिस्टर पंजाब, मिस्टर इंडिया, मैंने खली पाजी के साथ भी कम्पीट किया हुआ, मिस्टर इंडिया में 1998 में बन के जूनियर मिस्टर इंडिया बन के फिर मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मैंने यू नो स्टार्टिंग जो मेरा पहला साल था वहां पे स्टार्स ऑफ टुमारो एक कॉम्पिटिशन है वो कम्पीट किया। स्टार्स ऑफ टुमारो कम्पीट करने के बाद मैंने
साउथ ईस्ट इंग्लैंड कंपटीशन, उसके बाद ब्रिटिश चैंपियनशिप, तो ये सारे चैंपियनशिप मैंने जीती भी। बट हुआ क्या था कि वर्कआउट के दौरान आई यूज टू ट्रेन वेरी हैवी, मेरा चेस्ट का मसल टोन हो गया था, और उस टाइम कोई इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी टू फिक्स दैट, तो वो टोन भी ऊपर से लेके नीचे था, पूरा कट था, एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज जेनेटिकली आई वॉज वेरी यू नो गिफ्टेड। माई ऑफ सीजन वेट वॉज तकरीबन 140 kg, एंड ऑन स्टेज आई वॉज कम्पीटिंग एट 118-117 kg, यू नो। तो अगर मैं एक आपको बहुत खास चीज बताना चाहता हूँ, द रीजन आई वॉज एबल टू वेक अप 4 AM वॉज ऑल्सो when you know we were small kids, our dadi used to take us to gurdwara 4 AM, ek amrit vela kehte hain usko, this time you know har ek dharm mein 4 AM ki bahut mahatva tha, obviously, you know? Yes, chahe koi bhi dharm ho jaye, to wo cheez maine apply ki apni you know fitness ke dauran, aur wahi cheez mere kaam aayi england mein, because england mein main study karta tha, wahan pe bhi mere ko 4 AM to 7 AM सुबह सुबह नौकरी मिल गई अपनी यूनिवर्सिटी में ही, वहां जिस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे फादर साहब ने यू नो मेरे को साहब बोल दिया था, एंड दैट थिंग आई ऑलवेज अप्रिशिएट, उन्होंने कहा कि ये तेरे सेमेस्टर की फीस मैं दूंगा, बाकी उधर जो तेरा खर्चा है वो तेरे को खुद निकालना पड़ेगा, एंड आई ऑलवेज फर्स्ट आई काइंड ऑफ यू नो डिडंट लाइक इट, बट आफ्टर दैट आई रिस्पेक्ट माई डैड सो मच बिकॉज ही टॉट मी द रियल हसल लाइफ। 4 बजे से लेके 7 बजे तक जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था उसी के कैंपस में मेरे को कंप्यूटर क्लास और अपने जो कॉलेज के यू नो वॉशरूम वगैरह वो सब मैंने साफ किया। मैंने एज अ क्लीनर काम किया वहां पे 1.5 साल, और उसके बाद वीकेंड में मैं वहां पे बाउंसिंग जॉब भी करता था 2 दिन, ताकि यू नो ड्यूरिंग द वीक, ताकि वर्कआउट भी मेरा प्रॉपर लगे और मैं काम इतना ज्यादा भी ना करूं कि एग्जॉस्ट हो जाऊं, लेकिन यू नो और पढ़ाई भी इतनी मिस ना करूं ताकि जिस पर्पस के लिए गया हूं वो पर्पस ना पूरा हो। यू नो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे चल जाते हैं, दे डोंट फोकस ऑन स्टडीज कम्प्लीटली, वो काम के लिए ही, फिर वो काम के लिए ही बन जाते हैं। तो वो चीज यू नो आई वॉज वेरी फोकस कि मेरे को क्या अचीव करना है, क्यों, because being in England it also opened doors for me in bodybuilding field as well, and I was doing really really well. उसके बाद फिर you know internship के लिए मैंने Foot Locker join किया, at the same time I was ranking up in bodybuilding and I was you know making money कि अपने affordability supplement या कुछ भी हो जाए मेरे को सीधा access मिलने लग गया, तो वो you know एक अलग से high मिली मेरे को, और वहां पे भी स्ट्रगल काफी किया मैंने पहले 3 साल इंग्लैंड में भी यू नो एज अ स्टूडेंट। उसके बाद जब मैं इंजर्ड हो गया मेरे को रियलाइज हुआ कि आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, इट आई कांट विन मिस्टर ओलंपिया, इफ आई कांट बी ऑन मिस्टर ओलंपिया स्टेज और बी इन टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स इन द वर्ल्ड तो कोई फायदा नहीं है। मैंने फिटनेस कंटिन्यू रखी, आज तक भी करता हूँ, आई ट्रेन 5 to 6 days a week, बट ये था कि अगर मैं नहीं कर सकता व्हाई नॉट टू हेल्प यू नो पीपल इन इंडिया, कुछ very ऐसा good. किया जाए। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच, आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। और आपने फिर इंडिया में इतने सारे प्रोज भी, क्योंकि देखिए आप अब इंडिया जो है जनरेशन आयरन में भी फीचर्ड हुआ है एंड द प्रोज आर कमिंग अप, और ये भी है कि शेरू भाई मैंने जो नोट किया हमारी इंडियन पाकिस्तानी की जेनेटिक्स जो होती है वो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के लिए इतनी सूट नहीं करती जितनी क्लासिक एंड मेंस फिजिक पे हम डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है कि हमारी जेनेटिक्स इन अमेरिकन से कम्पीट क्यों नहीं कर सकती बॉडी बिल्डिंग में? इज इट द डाइट, इज इट द सप्लीमेंट्स, और इज इट द ट्रेनिंग, और जस्ट द जेनेटिक्स? मेरा ये मानना है कि मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक का जो एस्थेटिक साइड है एंड द वे स्किन कलर टोन, द वे मसल बैली, जो मैक्सिमम हमारी रेशियो है ना
उस कैटेगरी में फिट होती है. बट देयर आर ऑल्सो जेनेटिक फ्रीक्स इन इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न साइड, जो पंजाब रीजन है. पंजाब में काफी बड़े बड़े एथलीट बॉडी बिल्डर हैं. वरिंदर सिंह हुमन, यू नो, ही इज 142 केजी. ही इज अ वेजिटेरियन एज वेल लाइक मायसेल्फ. नॉर्थ और ये पंजाब का जो ताल्लुक है जेनेटिक्स का, हमारे भी नॉर्थ में पंजाबी जो है उनकी जेनेटिक्स जो है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, दे हैव ग्रेट जेनेटिक्स. सो दस इंडियंस विद नॉर्दर्न साइड हैव ग्रेट जेनेटिक्स. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि एक बड़ा एथलीट, यू नो, इंडिया, पाकिस्तान और हमारे रीजन से पक्का आएगा. इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. बट यू विल सी सो मेनी एथलीट्स इन मेंस फिजिक एंड क्लासिक फिजिक, इवन इन बिकिनी वुमेन फिगर. इस कैटेगरी में आप काफी एथलीट देखोगे. और इस साल यू नो, मैं उम्मीद करता हूँ कि 3-4 प्रो इंडिया से भी आए. और दुआ करता हूँ आप भी ओलंपिया स्टेज के लिए जरूर क्वालिफाई. आपने कर लिया कि अभी करना है? नहीं, करना है होपफुली नेक्स्ट ईयर, यू नो. तो दुआ करता हूँ आप भी जरूर क्वालिफाई करें एंड अपने देश का नाम ऊंचा करें. एंड कमिंग बैक कि जो आईएफबीबी प्रो लीग का इंडिया में लाना, तो 2003 में मेरी इंजरी हो गई थी. 2004 में हमने देखा कि इंडिया में वो चीज लाई जाए जो मिसिंग है. ठीक है, पहले हमने गोल्ड जिम के साथ एसोसिएट हुए. गोल्ड जिम वाज अमेरिकन जिम चेन का. हमारे 4 गोल्ड जिम थे इंडिया में. उसके बाद हम एसोसिएट हुए स्पोर्ट्स सप्लीमेंटेशन इंडिया में लाने के लिए. वो हमने अपनी कंपनी खोली थी DHH न्यूट्रिशन. हम मसलटेक और नाइट्रोटेक काफी ब्रांड्स इंपोर्ट करते थे इंडिया में. सिक्स स्टार न्यूट्रिशन एंड लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स वी वर इंपोर्टिंग. बट जब शेरू क्लासिक 2011 हमने यू नो लॉन्च किया, तो हमारे को इम्पोर्ट वाला काम बंद करना पड़ा. बिकॉज वी डोंट वांट टू कम्पीट बीइंग अ इम्पोर्टर विद ऑल द कस्टमर्स हु वर आवर यू नो एग्जिबिटर्स. तो 2008 की मैं आपको बात बताता हूँ. मैं और हेमंत बाजी हम ओलंपिया में बैठे हुए थे और यू नो हमने दोनों ने सोचा यार ये चीज इंडिया में मिसिंग है. यू नो अमेरिका में इतना क्रेज है, इंडिया में भी इतना क्रेज है. बट अगर ये चीज अमेरिका में हो सकती है, व्हाई कांट वी ब्रिंग सेम थिंग टू इंडिया. तो यू नो हम जिम मैनियन को मिले. हम ओलंपिया तो रेगुलर जाते ही थे काफी सालों से. सिंस 2002 वी वर गोइंग टू ओलंपिया. जिम मैनियन को मिले, उनसे मीटिंग की और तकरीबन 2 साल की प्लानिंग के बाद हमने प्लान किया कि 2011 में हम आईएफबीबी प्रो लीग को इंडिया में लेके जाएंगे. उस टाइम अगर आप नोट करो हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग, आफ्टर ओलंपिया कोई और शो नहीं होता था. यू नो ओलंपिया के बाद कोई और शो नहीं होता था. तो जिम मैनियन को मैंने एक आइडिया दिया. मैंने कहा सभी एथलीट टॉप फॉर्म में है और सारे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं. इसके एक हफ्ते बाद आई वांट टू फ्लाई ऑल दीस गाइस टू इंडिया. एंड ही वाज लाइक वाओ. ही गोज आर यू श्योर? मैं कह या. ही गोज आर यू श्योर शेरू? मैं कह या. वहां पे उसके हफ्ते बाद मैंने कॉल किया. मैंने कहा आई एम रियली सीरियस. ही गोज आर यू श्योर? तो एक बार उनको था कि हमारे हमने ये करना है. एंड मैंने कहा इनको अगर इंडिया लेके आना है तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा. तो जिम ने पूरा प्लान लेआउट किया. ऑब्वियसली एथलीट्स के दिमाग में होता ही है यार इंडिया कभी गए नहीं लोग. यू नो वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने इंडिया पाकिस्तान हम यू नो वी आर डेवलपिंग नेशंस. तो जो स्लम डॉग मिलियनेयर जो मूवीज में ये दिखाते हैं. तो मैंने कहा यू नो वील पुट अ डिसेंट प्राइस मनी एज वेल ताकि वी अट्रैक्ट देम and we ensure that we take good care of them. तो सबसे पहले फिल हीथ और जे कटलर से बात की. उन दोनों मान गए थे. सून जे कटलर साइन ही यू नो उसके बाद सभी टॉप 6-7 ने साइन कर दिया है. और जिम मैनियन ने आप खुद इस पूरे यू नो चीज को ऑर्गेनाइज करने में पहले पहले जो 2 साल है फुल टाइम मेरा बहुत सपोर्ट दिया. जिम मैनी एंड रॉबिन चैंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दीज टू जेंटलमैन हु हैज बीन रियली सपोर्टिव.
उसके बाद एक डिसेंट प्राइज मनी बोला गया, तो यू नो पहले साल हमने प्राइज मनी रखा था तकरीबन $1.5 लाख $150,000 और उससे साल अगले साल फिर हम ओलंपिया की लाइन अप लाए थे, ओलंपिया 1 वीक आफ्टर ओलंपिया, तब हमारा प्राइज मनी था $2,10,000। तो यू नो जब हम IFBB प्रो लीग को ले आए और हमारा एक्सपो इतना बड़ा नहीं था, उस टाइम क्या हो रहा था, ब्रांड तो बिल्डअप हो गया, यू नो देश के लिए हमने जो सोचा था कर दिया, बट द होल आइडिया वॉज कि ये पूरा प्लान जो है ये सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे बने, बिकॉज एक्सपो और यू नो प्रो शो लाना इज नॉट यू नो सेम थिंग, इज टू सेपरेट कप ऑफ टी। प्रो शो इज ग्लैमर, यू नो इज दिखावा, और वहां पे आप जो रेवेन्यू जनरेट करते हो ओनली फ्रॉम स्पॉन्सरशिप एंड टिकट सेल्स, जबकि जो एक्सपो है वहां से मेन रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो मैंने जो गलतियां की थी पहले 3 साल यू नो अकेले तब मैं था, तो आई रियलाइज कि अगर इस मॉडल को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाना है, हाउ लॉन्ग आई विल बी कीप ऑन बर्निंग माय मनी, यू नो मैं काफी बुरे दौर से भी गुजरा था, और जिसमें फाइनेंशियल आप कह लो, इमोशनल, फैमिली, काफी कुछ मेरा लॉस भी हुआ है इस जो ये जर्नी रही है। ये ऐसे नहीं कि इतनी चीजें बन जाती हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, यू हैव टू टेक दोज डिसीजन इन लाइफ जो कि आप अपने आप को डाउट करने लगते हो यार कि ये मैंने ठीक किया है या गलत किया है फॉर टू बिल्ड द ब्रांड। मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने ये जो स्ट्रगल टच की है, तो जब आप ने जो पहला शेरू क्लासिक करवाया, एंड आई हैव सीन द शो, इट वाज अ ग्रेट शो, ग्रेट लाइनअप, आज भी उसकी पिक्चर्स जो है वो थ्रोबैक में शेयर हो रही होती है, क्योंकि इट वाज अ क्वालिटी लाइनअप, एंड यू नो कि जब कहते हैं ना, जब आपका एक इंटेंशन अच्छी होती है तो ऊपर वाला भी मदद करता है, तो यू हैड अ ग्रेट लाइनअप, ग्रेट सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो जब आपको होता ये, क्योंकि देखें हमारे जो कल्चर वगैरह में सेम ही प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आपने कहा कि मुझे इंडिया में IFBB लानी है, एक लीग इंट्रोड्यूस करवानी है, शो करवाना है, फर्स्ट टाइम इंडिया में आपको प्रो शो करवाना है इंटरनेशनली, तो जो आपके इंडिया में फेडरेशंस थी जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह में, उन्होंने कितनी मुश्किलात आपके लिए खड़ी की, प्रॉब्लम्स, एंड देन हाउ मच प्रॉब्लम्स डिड यू हैव टू फेस अपोजिंग फेडरेशन से, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प थी इसमें, कंट्रीब्यूशन एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ जब हम, मैं भी पाकिस्तान में जब इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रहा था IFBB, तो आपको पता है कि जो फेलो फेडरेशंस होती हैं उनसे ये बात दे कैन नॉट डाइजेस्ट इट, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक शेरू सर ने ये प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल की और आपको क्या प्रॉब्लम्स थी, मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज। जब हम IFBB प्रो लीग को इंडिया में लाए, तो एमेच्योर फेडरेशन IFBB यू नो उसके जनरल सेक्रेटरी जो थे, तो ऑब्वियसली मतलब दिखावे के लिए तो उन्होंने सपोर्ट किया, बट अंदर से बहुत ज्यादा जेलसी थी कि हु इज दिस न्यू किड ऑन द ब्लॉक, कि हमने कभी सोचा नहीं, और ये पूरी ओलंपिया की लाइनअप उठा के इंडिया में ला के, नॉट फॉर द गेस्ट पोजिंग और गेस्ट अपीयरेंस, बट कम्पीट करा रहे स्टेज में, आके संजय दत्त बैठ रहे हैं, अमिताभ बच्चन बैठ रहे हैं, टॉप बॉलीवुड टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के, तो शो वॉज सुपर सक्सेस। उसके बाद काफी मेरे को हेटरेट का सामना भी यू नो करना पड़ा फ्रॉम ऑल द लोकल फेडरेशंस, इंक्लूडिंग द दैट टाइम IFBB ऑल्सो जो चला रहे थे, एंड उसके बाद हमने इनके साथ काम करने की काफी कोशिश की 2012 में भी और 2013 में, तो इनफैक्ट हमने एक ओपन चैंपियनशिप भी रखवाई थी कि एमेच्योर विद द प्रो शो, एमेच्योर शो इंडिया, शेरू क्लासिक इंडिया, जिसमें इंडिया के हमने 14 एथलीट्स को बुलाया था, 14 एथलीट्स को बुला के यू नो मेरे पास स्पेशल परमिशन थी जिम मैनियन की कि हम जो विनर है उनको प्रो कार्ड देंगे। उस टाइम क्या हुआ था कि एथलीट्स के स्टेज पे जाने से पहले
सभी एथलीट से साइन कराया गया कि हमारे को प्रो कार्ड नहीं चाहिए. Okay. और इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ आपके जिस जिम में आप जाते हो टोनी डोर्थी हैं, उनसे आप पूछ लेना. अच्छा. टोनी वाज सो अपसेट एंड इस फेडरेशन ने 2013 यू नो इनको पता था कि जजेस की फ्लाइट है अगले दिन सुबह अर्ली और शो था पूना में, और पूना में से अगर मुंबई जाते हैं तो 4.5 घंटे की ड्राइव है. एंड Tony and you know that time there was a gentleman Lee Thompson. ये दोनों थे judges. ये आए और इनको जान के late कराया गया. Local federation ने ये बोला कि you know पहले हम amateur show कराएंगे फिर pro show. But ये जान के आए नहीं वहाँ पे 7 बजे तक. वो Tony Dorothy and Lee तकरीबन 1.5 घंटा wait करते रहे. तो हमारे को because the whole idea was amateur का winner प्रो शो में कंपीट कर पाएगा क्योंकि 212 कैटेगरी थी. तो इन्होंने जान के वो शो ही नहीं शुरू किया और हमारे को प्रो शो पहले कराना पड़ा और एमेच्योर शो बाद में. मतलब इन्होंने जान के पूरा शो मेरा खराब करवा दिया. उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था और मेरा एक्सपो भी बहुत यू नो अच्छा नहीं गया. उस पूना शो के बाद मैंने ये सोच लिया था अगर मेरे को ये चीज को आगे बढ़ाना है I'm gonna स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम फ्रेश. जहां पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो, स्ट्रॉन्ग टाइप हो और जो मेरा बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, यू नो. हालांकि मेरे अंकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट रखी थी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट फेडरेशन साइड से यू नो गवर्नमेंट हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल. तो यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें आज की डेट में 11 फेडरेशन है, यू नो. और कैसे हम आईएफबीबी को लेके आए और क्या क्या मेरे को करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ी, इस पे तो बुक लिख सकता हूँ बट मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा. 2013 के बाद जब मैंने ये सोचा कि मेरे को ऐसे काम नहीं करना, दिस इज नॉट माय वे ऑफ वर्किंग, बिकॉज शेरू क्लासिक मींस क्लास, नॉट लाइक यू नो कि गली मोहल्ले का शो है, ऐसा नहीं है. मैंने तो क्योंकि अपनी लाइफ का पूरी सेविंग्स पूरा जो भी था सब कुछ दाव पे लगा दिया था. तो यू नो मैंने काफी इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया, काफी मीटिंग्स की. 3 साल में मैंने तकरीबन 400 प्लस मीटिंग्स की होंगी और सबसे मेरे को रिजेक्शन मिला. आई वाज गोइंग थ्रू अ बिग फाइनेंशियल ट्रबल, अ बिग फाइनेंशियल यू नो प्रॉब्लम. इनफैक्ट जो हमारे पेरेंट्स का घर है हमारे को बेचना पड़ा ताकि आई कैन पे ऑफ माई डेट्स ऑल्सो. आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड मेडिकल यू नो सिचुएशन इन माई लाइफ, जो कि मैं डिस्क्लोज करूंगा अपने डॉक्यूमेंट्री में जो कि आने वाले टाइम में आ रही है. गुड लक फॉर द डॉक्यूमेंट्री एंड थैंक यू ब्रो. एंड 2016 में जो मेरे पार्टनर है मनीष गांधी, यू नो इनकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिटिंग कंपनी है, तो मेरे एक दोस्त हैं वो एक्सपो कराते थे बिग बॉयज टॉयज न्यू जर्सी में. उन्होंने मेरे को मनीष पाजी के साथ मीटिंग कराने के लिए यू नो बोला, बिकॉज ही कैन फील मी, यू नो अ रियल जेन्युइन फ्रेंड. ही गोज ब्रो मेक श्योर यू मीट दिस गाय. तो मनीष पाजी वाज हैज ऑलरेडी यू नो 12 to 13 डिफरेंट वर्टिकल्स इन आर्किटेक्चर, ज्वेलरी, फैशन, काफी फील्ड में वो एग्जीबिशंस कराते हैं और फिटनेस में उन्हें करानी थी, उनका काफी कीन इंटरेस्ट था. मैं तो पहले यूएस में था, वो मेरे को बोल रहे थे आओ आओ मीटिंग करो. तो तकरीबन 2-3 हफ्ते की मीटिंग के बाद वेट के बाद मैं इंडिया आया और उसके बाद मनीष पाजी के साथ मीटिंग की. आप यकीन नहीं मानोगे, विद इन 10 मिनट्स ही क्लोज द डील. ही जस्ट सेड मेरे को इतना पता है पाजी आपकी यू नो आई कैन सी इन योर आईज, योर विजन इज वेरी क्लियर एंड Your heart is very clear. तो मैंने उनको बताया मैं इन इन प्रॉब्लम में रहा हूँ, ये मेरी डेट रही है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं, ये कोलैबोरेशन है, ये मेरे पे प्रॉब्लम्स आई हैं. सो आई डिडंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, आई वाज वेरी क्लियर. तो उस चीज की उन्होंने रिस्पेक्ट यू नो रखी. एंड पहले साल जब हमने यू नो फिर अनाउंस किया, उसके बाद जब वाइल वी वर ऑर्गेनाइजिंग तब भी इंडस्ट्री के काफी लोगों ने मनीष पाजी को बोला कि शेरू you know he's not in a very good financial position. So you know he covered me from every point and ensured that
whatever you know market में एक जो negative image 2013 के बाद create होगी थी वो हमने पहले clear की और बहुत बढ़िया 2016 का show करा है जिसमें Big Ramy, Rolly Winkler, you know जैसे दिग्गज कई हम athletes को लेके आए और you know we ensured the expo was really really good and it was world class, it was covered everywhere. तो 2016 की हमारी जो वापसी थी that was a turning point in my career which you know when my career took a U-turn towards the right direction. So jo ek component missing tha 2016 mein humne koi competition nahi karaya kyunki association federation hamare haath mein nahi thi, you know. Okay, humne aur pro show karana मैंने सोच लिया था प्रो शो मैं तभी कराऊंगा जब वी आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. प्रो शो हमने कराना नहीं था और ये मेरा ही डिसीजन था. फिर उसके जब एक्सपो खत्म हुआ मनीष पाजी को मैं ओलंपिया में भी यू नो लेके गया अपने साथ. मैंने जिम मैनियन से मिलाया सो ही कैन अंडरस्टैंड द फेडरेशन पार्ट ऑल्सो. सो ही अंडरस्टूड द फेडरेशन पार्ट एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट ब्रिंगिंग एमेच्योर ओलंपिया टू इंडिया. And that's how the competition thing and you know the amateur thing started up. And while we were talking to Jim Mannion, he goes ki aap local bando ke saath kaam karne ki koshish karo. We were trying but the local banda you know he gave us a lot of problem in 2017 Olympia. Halanki usse pehle split already ho chuka tha udhar Jim Mannion aur Rafael Santoja pro league and elite league. Yes. बट उस सेपरेशन के बाद भी मेरे को पता इन दोनों को कैसे मैनेज करके हमने एमेच्योर ओलंपिया कराया. मतलब ऊपर सेपरेटेड है बट नीचे हम रफाइल को भी एंटरटेन कर रहे हैं और संजय मोरे को भी कर रहे हैं. वहां पे काफी गलत डिसीजन हुए थे कुछ एथलीट्स के साथ और एथलीट्स ने मतलब यू कैन से इट वॉज डन ऑन पर्पस टू टार्निश my our brand and our image again, you know, जो कि इन federations का देखने को हमारे को पहले भी मिला. तो 2017 split के बाद जब दो you know हमारे को काफी कुछ you know झेलना पड़ा इन लोगों से काफी criticism झेलना पड़ा कि you know athletes की छोटी छोटी problems जो निकल के आई इन्होंने YouTube भी डाले हमारे को bash भी किया. तो जैसे ही amateur Olympia खत्म हुआ Jim Mannion made me and my brother Hemant Paji in charge of IFBB Pro League India. वहां से फिर हमने जो federation part है उसकी journey 2018 जनवरी से हमारी शुरू हुई है तकरीबन 2 साल से. और वहां पे फिर हमने अनाउंस किया हम प्रो क्वालिफायर्स लाएंगे एक नहीं तीन यू नो. और फिर जो जुलाई वाला प्रो क्वालिफायर होया करेगा वो सिर्फ इंडियंस के लिए है. मतलब पहला साल 2018 में था हमने 3 प्रो क्वालिफायर कराए. एक लुधियाना में था, एक दिल्ली में था, एक मुंबई में एमेच्योर ओलंपिया. और जो उससे अगले साल यू नो एवरी ईयर वी वर ग्रोइंग बिकॉज वी वर डूइंग न्यू थिंग्स. We were doing something new for Indian athletes. पहले तो हमने देखा you know कोई भी sport को अगर आप grow करना चाहते हो grassroots level से और यही advice मैं आपको भी दूंगा अगर आपने sport को grow करना पाकिस्तान में एक तो आप make sure करो आपका जो model है वो self sustainable है revenue creating model. दूसरा आप athletes जोड़ रहे हो अपने साथ. तीसरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो कि नहीं अपनी कंट्री में विच मीन्स अ प्लेटफॉर्म. प्रो लीग मिलने के बाद हमने क्या किया हमने प्रो क्वालिफायर्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए. उसमें हमने देखा कि इंडिया के एथलीट्स भी ऊपर आ रहे हैं और काफी टैलेंट है काफी यू नो क्लोज कॉम्पिटिशन भी है. तो 2019 की स्टार्टिंग में हमने यू नो डिसाइड किया कि जो जुलाई वाला प्रो क्वालिफायर है इट इज ओनली फॉर इंडियंस. And that gave a really big boost to all of us in India. And of course, you need it. Because that is something. Population is so big that you need one pro qualifier that's entirely based for Indians. Yeah,
एंड अगर आप स्टैंडर्ड भी देखोगे इंडियन एथलीट्स का जो अभी नए निकल के आ रहे हैं, चाहे मेंस फिजिक हो, चाहे बिकिनी हो, चाहे क्लासिक फिजिक हो, इट्स वर्ल्ड क्लास. अभी कश्मीर का एक लड़का जीता है, सुबेल ताहिर, क्या जबरदस्त क्लासिक फिजिक के उनके जेनेटिक्स हैं. एंड अफरोज खान, ही इज रियली गुड इन मेंस फिजिक. उसको तारिक ने अभी बोला है रिसेंटली कि अगर तू मेहनत करेगा 2-3 साल और, यू कैन एक्चुअली विन मिस्टर ओलंपिया, ही इज सो टैलेंटेड. तो दिस इज समथिंग यू नो दैट वाज मिसिंग इन इंडिया व्हेन द एमेच्योर लीग एग्जिस्टेड बिफोर अस. आई थिंक देयर वाज ब्लॉकेज ऑन एथलीट्स टू टर्न प्रो. वी काइंड ऑफ ओपन द डोर्स फॉर एथलीट्स टू यू नो टर्न आईएफबीवी प्रो, एंड ऑल थैंक्स टू जिम मैनियन हु made this thing happen on the upper level. And the bottom level, obviously we work hard, we work very very hard. Me, Manish Paji, Hemant Paji, our exhibition director Mohit Mewani, we have a great team. Chalubhai, we have great. Sorry, I'm cutting you out over here. I just need to share something with you over here. Aapki story aur abhi current Pakistan ki situation thodi similar hai. Similar kaise, main aapko batata hu. जैसे कि आपको जो पुरानी फेडरेशन से प्रॉब्लम थी और उन्होंने ब्लॉकेज करने की काफी कोशिश की कि आपका शो कामयाब ना हो, और जो पुरानी आईएफबीवी थी एंड देन वो कुछ कर भी नहीं रही थी इंडिया में और आपको कुछ करने भी नहीं दे रही थी, और जब फाइनली व्हेन यू टुक ओवर एज अ आईएफबीवी प्रमोटर तो आपने फ्लरिश किया उसको और ग्रो किया. अभी जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ पाकिस्तान में, जो आईबीबी से एफिलिएटेड जिन्होंने एक फेक आईबीबी चला रही है पाकिस्तान में, हमारी एक लीग, वो ना खुद कुछ करेगी ना खुद ना किसी को कुछ करने देगी. एग्जैक्टली मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ. और अगर जैसे कि आरिफ मिर्जा को आप जानते हैं, उन्होंने कोशिश की थी शो करने की पाकिस्तान में, दुबई मसल एक्स फिटनेस एक्सपो वो पाकिस्तान में लेके आए, तो उनको भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली जो आपने प्रॉब्लम फेस की है फेडरेशन की तरफ से. लड़कों को खेलने नहीं दिया स्टेज पे, उनको जाने नहीं दिया. वाओ. और जो 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 प्रॉब्लम आप मुझे बता रहे हो, मुझे एक अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं जो हमारे साथ हो चुका है. तो आपकी इस जर्नी से मैं यही सीख सकता हूँ कि एक सबको एक साथ मिलके ये करना पड़ेगा, और ये जो पुरानी फेडरेशन है इनको ओवरथ्रो करके नई फेडरेशन, एक जो ट्रू फेडरेशन है प्रो लीग जो रिकग्नाइज्ड है पूरी वर्ल्ड में, उसको लाना पड़ेगा. और साथ साथ शेरू भाई, जब आपकी जो जर्नी थी इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितना हेल्प मिला, क्योंकि अक्सर हमारे अभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही होती है फेडरेशन के बीच आपस में लड़ाई चल रही है कि हमें गवर्नमेंट से फंड्स नहीं मिल रहे, तो हमें ये नहीं मिल रहा. जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गवर्नमेंट आपको नहीं सपोर्ट करती, यू नीड स्पॉन्सर्स एंड पीपल टू सपोर्ट यू. तो आप मुझे प्लीज एनलाइटन करें इस बात पे. देखो, बिजनेस अगर ऐसा बिजनेस चलाना है, आपके पास दो रास्ते हैं. पहला, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एज अ एसोसिएशन स्टार्ट करो कि जो प्रॉफिट है वो सारा आप इन्वेस्ट करते हो स्पोर्ट्स पे, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उसमें आपको थिंग्स लाइक एग्जीबिशन या एक्सपो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको मतलब वहां उस पर्पस के लिए फंडिंग नहीं आएगी. एंड बट अगर आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग आ सकती है. हमारा बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट है. वी वर्क लाइक अ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, विच मीन्स हम अपना काम, हमारे को गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए. हम अपना पैसा आप रेज करेंगे थ्रू स्पॉन्सरशिप, हम अपना एथलीट्स आप लाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वी क्रिएट, बिकॉज सरकारों के पास कहाँ है इतने पैसे. एग्जैक्टली आप अमेरिका में देखते हो, मैं यूएस रहता हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, सुपर लीग को देखो, वहां पे कितनी लीग्स हैं, उनको कोई सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिलती है. पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट ओनली सपोर्ट गवर्नमेंट गिव टू द एथलीट्स इज ओनली जो एथलीट ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, उनका जब कैंप लगता है उसके बजट जाते हैं.
बिल्कुल यू नो आई वर्क वेरी क्लोजली विद फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक डिपार्टमेंट जो कि एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट को एडवाइज करती है ऑन पॉलिसी मैटर्स I've been involved with them since last 2000, you know, last 6 years plus. तो हमारा फंडा बड़ा क्लियर है कि सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है सरकार वो पैसा यूटिलाइज कर सकती है स्पोर्ट्समैन क्रिएट करने में यू नो स्टेडियम्स बनाने में yes. जहां पे हमारे को नहीं चाहिए यू नो हम प्रॉब्लम क्या है हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम ये कहते हैं तूने क्या किया सरकार ने क्या किया अरे भैया आप खुद देखो कि तुमने क्या खुद क्या किया है हम खुद भी तो कर सकते हैं ना सो एक खुद आप करने का जो जज्बा था इट्स ऑलवेज यू नो बीन देयर इन आवर माइंड एंड विद दैट माइंडसेट ओनली यू नो वी क्रिएटेड दिस बिजनेस मॉडल जो कि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बन जाए जिसमें एथलीट्स का भला भी हो रहा है एथलीट्स करियर भी बना रहे हैं सप्लीमेंट ब्रांड्स आ रहे हैं सप्लीमेंट ब्रांड्स आप नेक्स्ट स्टेप है इंडिया में फैक्ट्रीज सेट कर रहे हैं सप्लीमेंट ब्रांड्स कितने एथलीट्स को साइन कर रहे हैं सप्लीमेंट ब्रांड्स एथलीट्स को साइन करने के बावजूद यू नो एथलीट को आप देखो कि उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है एक ब्रांड से उसको पांच ब्रांड मिल रहे हैं सो दैट्स व्हाट यू कॉल यू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर यू नो कंट्री एंड दैट इज द करेक्ट वे दैट इज द करेक्ट वे और मुझे I saw recently, I've been following you and I've seen people कि आप पे जो इल्जाम लगा रहे थे कि यार आईबीबी पैसे लेती है यार लोग हमारी जो जनता है ना वो यहाँ से नहीं सोचती आईबीबी की रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है ना वो दुनिया में हर कोई भरता है वो चाहे आप पाकिस्तान चले जाओ या आप इंडिया चले जाओ या यूएस चले जाओ यू हैव टू पे योर रजिस्ट्रेशन फीस एंड देन आपने अपनी जेब से विच आई रिस्पेक्ट यू आपने कहा कि चलो यार कि मैं बड़ा बंदा बन के कीप द कंट्रोवर्सी असाइड मैं एथलीट की जो है पैसे जो है हाफ या जितने भी है मैं खुद भरूंगा यानी लोग आपको इतना मजबूर कर देते हैं बिकॉज यहां से नहीं सोचते वो बैंड वैगन पे जम करते हैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है तो यार शेरू तो इतना कामयाब और सक्सेसफुल बंदा है तो कुछ गलत ही कर रहा होगा यार ये इस अगर आप कामयाब हो तो आप कुछ गलत ही कर रहे होगे ये सोच है तो आई सॉ द होल थिंग हैपनिंग एंड The only reason मैं आपको support कर रहा था without knowing the whole situation because I understand how IFBB works और मुझे पता है कि IFBB में आपको पैसे as an athlete भरने पड़ते हैं then there's ये कोई bodybuilding is not a cheap sport it's a very expensive sport तो and today you explained it beautifully कि यार आपने किस तरीके से खुद invest किया है और ये हमारी जनता को भी समझना चाहिए कि how to properly appreciate and understand कि आपका बंदा क्या कर रहा है मैं ऑन रिकॉर्ड पहली बार बता रहा किसी इंटरव्यू में नहीं बोला yes. मैंने खुद अपने जो अगर आप करोगी हार्डकोर सेविंग्स खुद चाहे वो खुद का घर बेचना पड़ा पेरेंट्स का बेचना पड़ा तकरीबन $2.5 million हम इन्वेस्ट कर चुके हैं इस चीज पे पहले बिफोर मेकिंग एनीथिंग यू नो पीपल डोंट नो अबाउट दिस एंड ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2011 में उस टाइम इस पैसे की आप वैल्यू दे एंड लोगों के लिए बहुत आसान है इल्जाम लगाना यू नो अब कई चीजें हैं मैं यू नो अगर कोई इल्जाम देखो जहां पे नाम है वहां बदनामी भी इल्जाम लग रहे हैं ठीक है टाइम आने पे हर चीज का जवाब यू नो लोगों को मिलेगा बट कल मैं 8-time मिस्टर ओलंपिया ली हेनी उनके साथ कन्वर्सेशन में था इतना मेरे को अच्छा लगा एंड ही इज सो एक्साइटेड टू कम इंडिया एंड ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स उन्होंने मेरे को ये बोला कि शेरू मैं तेरे को देख रहा हूँ कई सालों से I'm वेरी हैप्पी टू नो कि यू नो इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द प्राइम सेंटर ऑफ फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड तो वो चीज ऐसी बातें सुन के एक लेजेंड के मुंह से वो एक यू नो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री चीज है मेरे लिए और वही मेरे लिए एक अचीवमेंट है लाइफ की एक you know bodybuilding का one of the अगर हम पांच top bodybuilding legends की बात करें Lee Haney is one of the greatest of all time उसने Ronnie Coleman जितना ही he holds a record and Lee Haney से I want to ask you a question Sherubhai what if in future you know I pray to God के इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो
पाकिस्तानी एथलीट्स आप देख सकते हैं शेरू क्लासिक में कम्पीट करते हुए? 100% मैं तो उनको यू नो दे आर मोर देन वेलकम टू कम एंड अगर आप यू नो रिकॉर्ड चेक करें 2012 में मासूम भट्ट भाई यू नो ये आयरलैंड में थे इनका इनको आप पूछना इनका वीजा का प्रोसेस लेट था तो यू नो वी हेल्प हिम टू गेट द वीजा ग्रांटेड यू नो क्विकर और जब इन्होंने मेरे को बताया मैं खुद यूएस मतलब इंडियन काउंसलेट और इधर होम मिनिस्ट्री के थ्रू इनका वीजा वहां से प्रोसेस जल्दी करवा के इनको इंश्योर किया कि ये इंडिया आए कम्पीट किया इन्होंने मासूम भट्ट भाई और इनको मैं जी टीवी पे के स्टूडियोज पे लेके गया वीडियो इनका पूरा इंटरव्यू कराया मैंने मासूम भट्ट भाई को जितना हमने कवर कराया था मीडिया में किसी ने नहीं बहुत खुश होके गए थे मैं तो चाहता हूँ कि यू नो कि इंडिया वी आर नेबरिंग कंट्रीज अगर यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस रोज आती है व्हाई नॉट कि एक पाकिस्तान के एथलीट इधर आके कम्पीट करें व्हाई नॉट में इट्स अ ड्रीम फॉर मी के देखो कि एमेचर एथलीट्स हमारे आए इंडिया के इस प्लेटफॉर्म में क्योंकि मैंने आपका देखा है शेरू क्लासिक एक्सपो और जो माइकल वगैरह हमारे जजेस गए थे आपके एक्सपो पे और शेरू से उन्होंने तारीफ की है मैं स्पेशली जब माइकल आता था इंडिया से तो मैं उससे उसको बुला के पूछता था कि यार कैसा था तुम्हें कैसा लगा तुमने इंडिया की खाना खाया और ये चीजें देखी कल्चर कैसा लगा तो वो he spoke highly of you guys and then I was really excited के it's a dream for me as well कि मैं एक दफा शेरू क्लासिक जो है प्रो शो अगर आप करवाते हो मेंस फिजिक तो I would love to come to India and compete at your show most welcome मेरे भाई and you know दिल्ली अभी जो दिल्ली वाला एक्सपो है लास्ट ईयर हमारा तकरीबन वहां पे 1.5 लाख क्राउड आया था विजिटर्स Yeah. और मुंबई वाले में तकरीबन 2 लाख प्लस विजिटर्स आया 3 दिन में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना हमारा दिल्ली वाला शो जुलाई में फर्स्ट वीक में था जो हमारे को पोस्टपोन करना पड़ा एंड नेक्स्ट शो इज अलाइंड फॉर नवंबर विच इज मुंबई एंड हमारा प्लान था कि हम नवंबर शो में प्रो शो वापस लेके आए और हमारी बात चल ही रही थी और ये कोरोना हो गया अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है बट अगर इस साल नहीं तो अगले साल हम प्रो शो जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट भी भेजेंगे मैं स्पेशली इनवाइट करूंगा और मैं स्पेशली आऊंगा क्योंकि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो ऑस्ट्रेलियन है तो उसको वो ना पाकिस्तानी है ना इंडियन है तो उसको इंडिया वैसे देखने का शौक था हिस्टोरिकल साइट्स एंड एवरीथिंग तो I would personally like to say this to you कि आज जो मैंने आपकी जर्नी सुनी I respect you even more क्योंकि आज तक जो मैंने what's behind what's शेरू भाई on social media वो देखा है the journey जो आपने struggle की जिस तरीके से आपने काम किया देखें मैं भी क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया जब मूव हुआ था मैं 20 साल का था तो obviously मैंने भी झाड़ू पोछे दिया है बस फर्क ये है कि जो स्ट्रगल एक स्ट्रगल ही आपको बनाती है एंड आई वाज एंजॉयिंग द प्रोसेस द जर्नी कि आपने जिस तरीके से ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड किया शेरू क्लासिक हम नाम देखते हैं हर जगह लेकिन हम उसके पीछे की स्टोरी नहीं देखते कि जो आपको प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं वो अभी हमारे लोग जो है फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में तो उनको ही बहुत एक अच्छा वो एक यू नो बैक स्टोरी मिलेगी टू वर्क विद के यार क्या सोल्यूशन है इट विल वेक अ लॉट ऑफ पीपल अप And before I let you go, sir, आप एक message सबके लिए जो आपके fans हैं in Pakistan और एक message please जरूर दीजिएगा। मेरे सभी fans, भाई, बहने, you know, uncle जी, auntie जी in Pakistan सबको मेरा दिल से सलाम अलैकुम and मैं you know दुआ करता हूँ कि India और Pakistan के ताल्लुकात आने वाले time में बहुत ही यू नो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और मैं दुआ करता हूँ भगवान से खुदा से कि कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है इंडिया पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में आप सबको भगवान यू नो बरकत बख्शे यू नो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बख्शे एंड सब अपना ध्यान रखें अपना ख्याल रखें एंड और मैं दुआ करता हूँ कि एक टाइम जिंदगी में ऐसा जरूर आए कि मैं पाकिस्तान आ सकूं और अपना जो मेरे एंसेस्टर्स का पिंड है विलेज है
वहां पे जरूर चक्कर लाऊं और आपके साथ ही जाऊंगा ब्रदर, आप नहीं लेके जाने जरूर जरूर यू नो, और फिर हम ननकाना साहब गुरुद्वारा भी चलेंगे एंड आई वुड लव टू सी बॉडी बिल्डिंग शोज इन इंडिया एंड यू नो आई प्रे टू गॉड कि आप आईएफबीबी प्रो लीग पाकिस्तान में लेके जाएं और यू नो हम आपका शो देखने हैं उधर इन टाइम. दैट्स अ ग्रेट ग्रेट यू नो इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी. शेरू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने यहाँ पे एक रौनक लगा दी और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करने का. और देखे ऊपर वाले ने चाहा तो ये पॉडकास्ट इतनी कामयाब हो जाए कि हम दोबारा एक सेशन करें. तो थैंक यू फॉर योर टाइम शेरू सर, एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू ब्रदर, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय.